हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। यहां से शिव सैनिकों की एक बड़ी गुंडागर्दी की घटना सामने आई है। यहां एक पूर्व नौसेना के अधिकारी को शिवसेना के गुंडों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो शिवसेना के कार्यकर्ता है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर करने से ये कार्यकर्ता नाराज थे और पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ संवाददाता प्रशांत सर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या मामला है ये लगातार ये आक्रामक तेवर शिवसेना कार्यकर्ता के? शिखा, देखा जाए तो मुंबई में पहले से ही कंगना वर्सेस शिवसेना का ये जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में शुक्रवार को ये पूरी घटना सामने आई है। शुक्रवार को कांदिवली के इलाके में ये जो नेवी ऑफिसर है मदन शर्मा, एक्स नेवी ऑफिसर है ये, और ये यहाँ पर रहते हैं और उनका एक ग्रुप है महानगर वन नाम का, जिसमें इन्होंने एक कार्टून डाला था जो कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार और सोनिया गांधी जी को लेकर ये कार्टून था। इसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। उसी ग्रुप में जो शिवसैनिक थे वो शिवसेना के लोग एक इकट्ठा यहाँ पर उनके घर पर आए, उनके बुलाया नीचे और उनको बुरी तरह से पीटा गया है। उनकी आंख जो है उसपे बड़ी जो है हानि पहुंची है। अभी उनको नजदीकी अस्पताल में उनका इलाज चालू है। इस पूरे मामले में समता नगर पुलिस ने राइड का जो है वो मामला दर्ज किया है और इसमें 6 लोगों को अब तक जो है गिरफ्तारी हुई है और आगे की जांच अभी पूरी समता नगर पुलिस कर रही है। और इस अभी पूरे वाकये में कंगना रानौत हो या फिर बीजेपी के जो नेता हो उन्होंने भी इसकी निंदा करते हुए कड़ी से कड़ी शिक्षा की मांग की है। जी प्रशांत, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखिए और देखिए किस तरीके से शिवसेना के कार्यकर्ता जो है लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, अब आप इस रिपोर्ट में देखिए। आपकी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मुंबई के कांदिवली में एक सीसीटीवी फुटेज की है जिसमें भीड़ एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। दूसरी तस्वीर उस सोशल मीडिया पोस्ट की है जो इस पिटाई का कारण बनी। यह है नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा। आरोप है कि इनकी आंख पर चोट के निशान की वजह है शिवसेना के कार्यकर्ता। मदन शर्मा ने महाराष्ट्र के सीएम का ये कार्टून व्हाट्सएप पर किसी दूसरे को भेजा। मदन की माने तो इस बात की भनक लगते ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी जब मेरे को मिला तो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे। मदन शर्मा की इस पिटाई ने एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मैं यही चाहती हूँ कि सत्ता और राजनीति से परे, यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव के राज को गुंडा राज करार दिया। फडणवीस ने ट्वीट कर लिखा, बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के कारण गुंडों ने पीटा। कृपया इस गुंडा राज को माननीय उद्धव ठाकरे जी रोकें। हम इन गुंडों के लिए कड़ी कार्रवाई और सजा की मांग करते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी मुंबई पुलिस से पिटाई करने वाले युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। अब शिवसेना के कार्यकर्ते सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते तो उनके घर पर जाकर उनको पीटेंगे? या मुंबई में कांदिवली में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के घर पर उसको मारना जाकर? मैंने मुंबई पुलिस को वार्निंग दिया है, आज रात में अगर वह गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कल सुबह मैं कांदिवली पुलिस स्टेशन में जाकर धरने पे बैठूंगा। और नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी मदन शर्मा जिनकी पिटाई हुई, कार्यकर्ता जिनके ऊपर आक्रामक हुए, उनकी बेटी डॉक्टर शीला शर्मा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए ये कहा कि महाराष्ट्र में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए। 12 बजे के करीब में मेरे डैड को फोन आया कि आप नीचे आ जाओ, हमें सिर्फ बात करना है, और वो गए तो उन्होंने सीधा अटैक कर दिया बिना बोले। जी,
और ये बोल के कि आप बीजेपी के हो, ये बीजेपी का है, ये आरएसएस का है, इसको मारो मारो करके जी। ये कौन लोग थे जो इनको मारने आए थे, आपके पहचान वाले? नहीं, हमारे पहचान का कोई नहीं था, ये शिवसेना के लोग थे। लोकल के हैं, यहाँ पे लोकली में ही है, मालूम नहीं कहाँ के हैं। अभी कैसी स्थिति है उनकी, कितनी इंजुरी जो है हुई है और डॉक्टर ने कुछ बताया? अभी जो ये मुक्के का मार है वो पेनफुल है, जो आंखों में उनको चोट लगी है वो भी है, और वो खून जम गया है अंदर, और वो एक महीना लगेगा ठीक होने में। ओके। ये उन्होंने डाला था क्या, ये जो कार्टून बताया जा रहा है उन्होंने ही डाला था? जो मेरे डैडी नेवी में ही है, और उनको एक फॉरवर्डेड मैसेज आया था जो कैजुअली कोई भेजा है, और वैसे ही कैजुअली मेरे डैडी ने भेजा है ग्रुप में। अभी ये शिकायत दर्ज की है पुलिस स्टेशन में, कितने लोगों के अगेंस्ट में की है? शिकायत दर्ज किया, FIR किया हुआ है। अभी जितने लोग आए हैं वो नाम तो सभी का हम नहीं जानते हैं, जिनका नाम हम जानते थे उसमें मालूम पड़ा था तो हमने किया है। पूरे वाकये के बारे में क्या कहेंगे, अभी आपकी क्या मांग है पूरी फैमिली की? कि वो जिसने भी मेरे डैड को मारा है उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर पनिश किया जाए उसको, और जो ये जो घटनाएं हो रही हैं वो ना होने के लिए प्रेसिडेंट रूल जरूरी है इस स्टेट में।